ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 8 जून 2020 सुबह के 8:20 हो रहा है, नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। जबरदस्त रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। अगर इन वीकेंड की बात करें तो दो जबरदस्त न्यूज देखने को मिली है। एक तो यूएस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएस 2 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन के डोसेस बनाकर रेडी है, सिर्फ चेकआउट फॉर सेफ्टी ये बाकी है, तो वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज थी बाजार के लिए। और अगर इंडियन मार्केट में देखें तो रिलायंस, जो कि काफी बड़ी कंपनी है, इसमें लगातार इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना 21.06% का स्टेक यहाँ पर सोल्ड कर दिया। तो अभी कंपनी अपना स्टेक क्यों सोल्ड कर रही है, क्यों इन्वेस्टमेंट कंपनी में ला रही है, क्या कंपनी के पास फंड्स की कमी है, ये पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो भी बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उससे कंपनी के शेयर्स को काफी फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर यूएस से भी काफी एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है, और इंडिया में भी लॉकडाउन आज से कुछ और ज्यादा रिलीफ वहां पर मिल रहा है। मॉल, रेस्टोरेंट्स हो, रिलीजियस प्लेसेस हो, आज से ओपन हो रहे हैं। हालांकि कुछ स्टेट में अभी भी उसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन आज से और भी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। लेकिन इस रिलीफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, उससे ही ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी देख के चलना होगा कि अगर यहाँ से ये स्पीड पकड़ लेता है कोरोना वायरस के पेशेंट्स मिलने का, तो फिर से एक बार सरकार लॉकडाउन फिर से स्ट्रिक्टली अलाउ कर सकती है। देखते हैं आगे कैसा होगा। फिलहाल जो ये वैक्सीन की खबर है उससे मार्केट में काफी पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का एक पिक्चर है, 5 जून आफ्टर मार्केट, आज से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो देखना है अगर आपको, तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,069 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9,940। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर फ्राइडे को निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये टुवर्ड्स साउथ की तरफ आया। और यहाँ से जैसे ही फिर से एक बार टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ, तो ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 10,102 अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास कुछ देर ये पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को, और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा और सेकेंड टारगेट 10,137 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के पास ये क्लोज हुआ है, तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए ये। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, नासडैक करीब 198 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी जबरदस्त तेजी, हरे निशान में बंद हुए। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं, तो लगभग सभी इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 108 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में भी जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सके। तो चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर। उससे पहले एक बैंक निफ्टी का एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो फ्राइडे के वीडियो में भी हमने इसको ट्रेस करने की कोशिश की थी। उससे पहले एक मतलब लास्ट फ्राइडे के बैंक निफ्टी एनालिसिस में भी, जब यहाँ पर ये
इस समय ऐसे बन रहा था, तभी भी हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। अभी भी ये पैटर्न कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर इस तरह से ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और अगर इसका नेक लाइन का अगर ब्रेकआउट मिल गया, और ये जो एक हर्डल आ रहा है 20 EMA, ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ब्रेकआउट इसका मिलने के बाद, नेक लाइन का 20 EMA के बाद, 20 EMA के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है नेक लाइन को ये एक दो बार ये एज ए सपोर्ट टेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये मूव करे। ये पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। सो यहाँ पर एक अपनी जो एनालिसिस है, यहाँ पर भी एक बार नजर जरूर रखें। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो मैग्डी फेब्रुवरी मंथ के बाद अभी इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखाया, ये लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम वीकली चार्ट में इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है। अभी फिलहाल पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है, प्राइस एक्शन में अगर कंटिन्यू रहता है हायर हाई हायर लो का पैटर्न, तो यहाँ से और भी तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल अगर यहाँ पर हमने ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 50 EMA 20 EMA के पास ये 50% का ये लेवल आ रहा था, इसको कंफर्टेबली इसने ब्रेक करके उसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। हालांकि 10,150 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पाया। अगर आपने हमारा एनालिसिस देखा होगा तो यहाँ पर हमने मंथली चार्ट में, ये निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट है, यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये 50 EMA का लाइन है, ये अराउंड 10,160 के पास है। अभी इसी के पास लास्ट 2 डेज इसने हर्डल फेस किया, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, इसको पेनेट्रेट किया, तो ये लेवल यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हो सकता है आज गैप अप ओपन हो तो इस लेवल को भी ये ब्रेक करे, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल होगा 61.8% का, जो कि 10,276 के पास है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और एक लेवल यहाँ पर ऐड कर देते हैं 76.4, ओके कर दिया, सेव कर दिया। तो ये भी ऑलमोस्ट ये अभी डेली चार्ट में जहाँ पर 50 EMA आ रहा है ये ब्लू लाइन, उसी के पास ये 76.4% का लेवल आ रहा है, तो 10,600-700 के पास अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, यहाँ पर 10,700 के आसपास। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन और मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस के हर्डल के लेवल सारे। अगर इससे पहले ये जो यहाँ पे ये फॉल आया है, हमने इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो एग्जैक्ट यहाँ से जब रिकवरी आ रहा था तो 50% 9878 के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, और यहाँ से फिर से एक बार छोटा सा ये करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। तो अभी यहाँ पर स्विंग लो बना के ये फिर से जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हर्डल होगा 10,437, यानी ये जो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू यहाँ पर ये लेवल्स निकाले, 61.8% 10,276 का फर्स्ट हर्डल है, उसके बाद रेजिस्टेंस होगा 10,437, और उसके बाद ये जो मूविंग एवरेजेस है ये अराउंड 10,600-700 के आसपास है, तो इस समय यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर पॉजिटिव खबरें आ रही है, निफ्टी ज़बरदस्त ऊपर जाएगा, लेकिन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अगर अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर बनाते तो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये था डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस निफ्टी इंडेक्स का। डेली चार्ट में अगर देखें निफ्टी इंडेक्स तो 100 EMA के ऊपर ये सस्टेन हुआ है, तो काफ़ी ये पॉजिटिव एक पॉइंट है, तो यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ये जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए उसके ऊपर अगर सस्टेन होते जाता है तो चलते निफ्टी के आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हो सकता है, ट्रिमेंडस गैप अप ओपन हो सकता है, तो अगर ये फर्स्ट जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है वो है पीवट पॉइंट का R1 का लेवल, यानी 10,199, राउंड फिगर कर देते हैं 10,200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है
तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,230, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 10,256, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है और सेकेंड टारगेट के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो वेट करना होगा। अगर सस्टेन करता है तो तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,292, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद सेकेंड टारगेट के ऊपर सस्टेन करता है तो। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, ये देखिए यहाँ पर 2 दिन पहले इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस फेस किया था। अभी फ्राइडे के दिन यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, वहां पर ही पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है यानी 10,118 ये अगर ब्रेक होता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,095, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 20 EMA के जस्ट ऊपर है, 10,060, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें और आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।